सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? अभी हम अपने छोटे से घर से बाहर निकल चुके हैं और लोग सब देख के हम हंस रहे हैं, पर कोई नहीं, ज़िंदगी में हम भी एक वक्त आएगा जब हम बहुत सारे सब्सक्राइबर कमाएंगे, फेम कमाएंगे, सब कमाएंगे, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। इसमें गाइस उस तरफ लोग सब थे तो हंस रहे थे, बच्चा क्या कर रहे हैं, पर कोई नहीं। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि ये गांव का लौंडा हमें क्या दिखाने जा रहा है। बेसिकली हम आपको अपने भाई के साथ अपने जो गांव के जो आसपास के आम के पेड़ हैं तो वहां पे जाके आम चेक करते हैं, अगर मिला तो खाएंगे और कुछ लेके भी आएंगे। तो चलिए भाई के घर चलते हैं और देखते हैं, उन्हें मनाते हैं कि जाते हैं जंगल कुछ आम तोड़ने के लिए। अगर वो मान गए तो अच्छी बात है, नहीं माने तो अकेले तो मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि डर लगता है यार, जंगल में शेर वेर चीता भालू आ गया तो क्या करेंगे ना। इसलिए वही है, मेरा भाई का घर पास ही है, तो चलिए उसके पास चलते हैं, मनाते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं हमारे गांव के आसपास, जितने भी आम का पेड़ है वो देखेंगे, अगर आम मिले तो खाएंगे। तो चलिए चलते हैं सीधा सीधा। देख लो गाइस, हमारा जो गाँव है कुछ इस तरीके का है, यहाँ पर घर है और साइड में यहाँ लोग सब रहते हैं। ये कुछ बोल रहे थे, देखो गाइस छोटे से बच्चे है, देख लो, देखो गाइस लोग ऐसे मेहनत करके यहाँ पे आते हैं, देख लो सामने सब आए हैं, तो ये औरत है एक बहुत मुश्किल से मेहनत करके आ रही है। आपको मिल जाए तो काफी अच्छा। कोई नहीं गाइस, गाइस हम लोग आधा रास्ता आ चुके हैं, हमारे गांव के मतलब मेन एरिया से बाहर निकल चुके हैं और ये हमारा एक रास्ता है क्योंकि गांव के बाहर है, तो सीधा चलेंगे और कुछ मैंगो का पेड़ देखेंगे तो वहां पे जाएंगे, आम तोड़ेंगे और खाएंगे। तो चलिए देख लो गाइस, गांव में ऐसे होता है, गाय सब पेड़ के नीचे छांव में आराम से मजे ले रहे हैं। तो गाइस ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, आप लोग देख सकते हैं रास्ता यहीं पे ख़त्म हो जाता है। चलिए हम लोग सीधा चलते हैं आगे, देखो आम का पेड़ है बहुत सारे। एक भाई साहब है जो हमारे आगे चल रहे हैं, चलिए इनसे पूछते हैं। भाई आम कहने मिल पो? आम नहीं है कहने नहीं, नहीं, नहीं। तो गाइस भैया बता रहे हैं कि आम ही नहीं है यहाँ पे, तो पता नहीं हम लोग इतना मेहनत करके क्यों आ गए, पर कोई नहीं, फिर भी हम लोग हार नहीं मानेंगे और आगे थोड़ा जाएंगे और घूम के आएंगे। देख लो गाइस ये बच्चे लोग आम तोड़ रहे हैं, पर शायद आम ही नहीं है पेड़ में। दो बच्चे यहाँ पे खड़े हैं और आगे देखो कुछ लड़कियाँ भी खड़ी हुई हैं, यहाँ के मतलब ट्राइबल लोग हैं, आम आम तोड़ रहे हैं। सही है गाइस, कैसे आम तोड़ लो ने, घुटे भी नहीं गाइस। ये लोग बता रहे हैं कि एक भी आम नहीं मिल रहा यहाँ पे, पर बहुत सारा आम मिलता है तो सही है, पर आपको एक भी नहीं मिला है। देखो गाइस यहाँ पे प्रो राइडर सब भी आते हैं, गाड़ी लेके पूरा जंगल में आ जाते हैं। ये देख लो गाइस एक गाड़ी में 3-3 बैठ के आ रहे हैं, 4-4 बैठ के जा रहे हैं गाइस, पूरा प्रो राइडर काटने के लिए सब लेके जा रहे हैं। आज हम लोग के पास गाड़ी नहीं है, हम लोग चल चल के जा रहे हैं, ऐसे ही तो चलिए चल चल के ही चलते हैं, चल चल के ही जाना चाहिए गाइस, पैर अच्छा होता है। तो चलिए सीधा सीधा चलते हैं, कोई मिलेगा तो पूछेंगे आम कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा, वहीं पे तोड़ेंगे और खाएंगे। फैमिली लोग ऐसे आते हैं और यहाँ पे पिकनिक भी करते हैं, काफ़ी सही है, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो हम लोग तो नहीं जाने वाले क्योंकि डिस्टर्ब नहीं करना है किसी। देख लो गाइस हवा काफ़ी अच्छा आ रहा है, बड़े बड़े आम के पेड़ हैं, पूरा हम जंगल के अंदर आ चुके हैं और मैक्सिमम लोग यहाँ पे पिकनिक के लिए आते हैं, तो पिकनिक के लिए अच्छा स्पॉट है ये जगह।
तो सही है जगह पिकनिक के लिए। हमारे गांव पूरा पहाड़ी पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ है। गाइस वो चलते चलते ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है, हम लोग यहाँ पे थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं और कुछ टाइम 5 मिनट के बाद आगे चलेंगे। तो वहाँ नीचे से आए हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा फैमिली से पिकनिक कर रहे थे तो डिस्टर्ब नहीं किया, वो रास्ते पे दूसरे रास्ते से आ रहे हैं, थोड़ा लेट हो सकता है। पर अभी तक हम जितना कुछ मतलब पेड़ कवर किए, एक भी आम का पेड़ हमें मिला पर वहाँ पर आम ही नहीं था। कुछ बच्चे लोगों से भी पूछे कि ऊपर ही आम है, बोले तो चले चलते हैं आगे चलेंगे, ऊपर मैंगो का पेड़ है, अगर मैंगो मिला तो अच्छा है। वैसे ये भी सब मैंगो का ही पेड़ है पर वहाँ पे मैंगो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। दूर चलने के बाद पूरा बैंड बज चुका है, देख सकते हैं आप लोग पसीना कितना आ रहा है, कोई इशू नहीं है। हम लोग आगे फिर भी बढ़ेंगे, जब तक हमें मैंगो नहीं मिलता तब तक हम ऊपर चढ़ते रहेंगे। पर गाइस पूरा बैंड बज चुका है, अगर आप कहीं भी जा रहे हो ना अपने साथ एक पानी का बोतल तो ज़रूर कैरी करना गाइस। गाइस और ज़्यादा रेस्ट नहीं लेते हैं, सीधा सीधा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा रेस्ट लेंगे तो आदत हो जाएगा, फिर वहीं पे रेस्ट ही करते रहेंगे। इससे अच्छा है सीधा ऊपर चलते हैं। चलिए गाइस जितना दूर हो सके, जितना हमारा ताकत है उतना वो चढ़ेंगे और आम मिलेगा तो खाएंगे, तो फटाफट चलते हैं और आपको मिलते हैं आगे। गाइस हमको चलते चलते ये थोड़ा सा झरना मिला है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा है और ये नेचुरल वाटर है जो कि पहाड़ से आता है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और पानी पानी गाइस काफ़ी ठंडा है, मज़ा आ गया गाइस। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे अगर कुछ और अच्छा झरना मिला तो आपको दिखाएंगे। गाइस आगे बढ़ने से पहले एक सिनेमैटिक शॉट देखिए, ये जो छोटा सा झरने का, फाइनली जिस काम के लिए हम आए थे जंगल, आम लेने के लिए, खाने के लिए कुछ, तो उतना आम तो हमें मिल चुका है। तो ये जो आम है उसको वहाँ पे छोटा सा स्ट्रीम है आगे, यहाँ पे भी है और आगे भी है, तो आगे इसको धोएंगे फिर खा लेंगे और फिर निकल जाएंगे। तो गाइस पहले इसको धो लेते हैं फिर खाएंगे। तो ये तीन आम जो है गाइस तीन अलग अलग पेड़ से लाए थे हम लोग, दूसरे दूसरे पेड़ से, तो चलिए जाके टेस्ट करते हैं कैसा है। तो गाइस पहला वाला थोड़ा सा मीठा है और थोड़ा ज़्यादा खट्टा है, पर कोई नहीं चलेगा, पहला वाला का टेस्ट थोड़ा मीडियम है। तो गाइस आपको ये बता दूँ, ये दूसरा वाला पता नहीं हम कौन सा पेड़ चलाए हैं पर ज़्यादा ही खट्टा है गाइस। तो गाइस ये आखिरी वाला बढ़िया है पर थोड़ा सा कच्चा है, पका नहीं है, तो इसका टेस्ट सबसे अच्छा है, इस दोनों में से इसका टेस्ट सबसे अच्छा है। तो चलिए खाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वैसे लोग यहाँ पे बोलते हैं कि हाथी भी है पर हाथी वाती नहीं है, लोग तो ढूंढ लिए। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तब तक के लिए जी सर।